जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। तमाम जो कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो लगातार उनकी तरफ से उनके हक को लेकर, अधिकार को लेकर डिपार्टमेंट के चलते जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी जवाब जो है उनको नहीं दिया जा रहा। अगर जवाब आता है तो वो भी तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख जो है उनको दी जाती है, कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है उनकी तरफ से नहीं आता है। फिलहाल अगर बात करें, लगातार प्रदर्शन किए गए और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आगे पीछे हमने अपडेट किया था फ्लाईओवर को 3 घंटे के लिए जो था ब्लॉक कर दिया गया था और काफी ज्यादा परेशानी आम लोगों को भी आई। और अगर बात करें हम कैजुअल लेबर्स की, डेली वेजर्स की, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी आगे की क्या रणनीति है उन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल जे एन के कैजुअल एंड डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट मिस्टर पवन कुमार जी हैं और इसके साथ साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रेसिडेंट लकी चितर जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इनका कहना है और आगे की क्या रणनीति है इन्हीं से जानेंगे। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पर। शुक्रिया। सबसे पहले मोनी जी आपके माध्यम से आपका और आपकी पूरी टीम का, तमाम मीडिया के हर एक उस शख्स का जो लगातार मजदूर पर डेली वेजर्स मजलूम कह लो आवाज़ जो है आला हुक्मरानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया। तो बात करें सर, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अभी जो एक रिसेंट प्रदर्शन किया गया 3 घंटे के लिए फ्लाईओवर जो था वो ब्लॉक किया गया था, तो उसका कुछ रिस्पॉन्स सामने आया जहाँ आगे की क्या आगे रणनीति आपकी? देखिये मैं सबसे पहले भोली जी आपके चैनल्स के माध्यम से बड़े दुखद हृदय से ये बात कहूंगा कि ना जाने बादलों में कौन सी ऐसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर बारिश हुई। जम्मू कश्मीर का पूरा जिक्र करूं, एक तरफ तो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बह रही हैं, हर तरफ हरियाली है, खुशहाली है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे, चाहे पीएचई की बात करूं, जो सेवाएं निरंतर पानी पहुंचाने की बात है, उसके साथ साथ अदर डिपार्टमेंट्स, बिजली आप देखिए इन बारिशों के मौसम में खंभे पे चढ़ के मेरे डेली वेजर साथी किस प्रकार से बिजली को सुचारू कर रहे हैं, और दीगर महकमे हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, टूरिज्म है, फॉरेस्ट है, और भी बहुत सारे महकमे हैं, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, टोल फ्लड का बड़ा सिस्टम चल रहा है, जहां भी आप देखोगे डेली वेजर्स जो है काम करता नजर आता है। लेकिन मैं स्पष्ट नीति से ये स्पष्ट बात एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक के कानों में झूं क्यों नहीं रेंग रही है, मेरे पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले मेरे पीएचई होम डिपार्टमेंट के मेरे डेली वेजर साथी पिछले 14 दिन से टूल रोड स्ट्राइक में बैठे हैं, और उसी दिन हमने जो है एक निर्णय जो है, क्योंकि मजबूरी की हालत में जब कोई अधिकारी पूछने नहीं आता है, जब कोई बात करने नहीं आता है, सरकार के पास ऐसी कौन सी गफलत की नींद है कि जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता पानी से त्राही त्राही कर रही है, जो इम्प्लाइज पानी पहुंचाने वाला है वो हथियार छोड़ के बैठा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान एक अधिकार देता है कि मजदूर को जब भी उसका हक नहीं मिलेगा तो मजदूर जो है वो हथियार छोड़ के हाथ खड़े करेगा। उसी लड़ी में ये मजबूरी की हालत में आप, मैं कहूं जनता को अगर पानी की सप्लाई से बाधित हो रही है तो मैं उसके लिए जनता से माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन मजदूर वर्ग जो है वो फर्स्ट एड हो चुका है, 20 साल से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, 22 साल 25 साल हो गए हैं सेवाएं देते हुए, लेकिन ना कोई रेगुलेशन पॉलिसी कि जिससे कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग को, कैजुअल लेबर्स को राहत पहुंचे, ना ही जो यूपी बनने के बाद एक सुनहरे सपने जम्मू कश्मीर को दिखाए गए थे कि जम्मू कश्मीर में जब यूपी कन्वर्ट हो गई, 370 हट गया, धारा 35A हट गई, अब तो खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी, लेकिन बड़े दुखद से ये बात कहना पड़ रही है कि प्रधानमंत्री जी कहां गए आपका जो वादा, जब 2014 में आप हमारे जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, उधमपुर ऑन मीडिया रिकॉर्ड है कि दो ही मुद्दे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, एक जो है वो 370 का है और दूसरा जो 61,000 कैजुअल वर्कर्स का है। 8 साल बीतने को जा रहे हैं लेकिन मजदूर वर्ग आज भी 2 वक्त के खाने से मोहताज है। मेरे डेली वेजर साथियों की लगभग मैं कहूंगा 5 से 10% साथी सुसाइड कर चुके हैं, उनके परिवार की क्या हालत है। इन 3-5 मुख्य डिमांडों के साथ
ये जंग का आगाज जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट से हो गया, जिसमें सबसे पहली डिमांड है कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी हो तमाम उन कैजुअल वर्कर्स के लिए जिन्होंने 20 साल 22 साल 15 साल 18 साल से निरंतर सेवाएं देते आ रहे हैं। और दूसरा, जब जम्मू कश्मीर एक यूटी में कन्वर्ट हो चुका है तो जम्मू कश्मीर के जितने भी कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स लोग हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए जो है मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी, जो बी ग्रेड में दिल्ली ड्यूटी आती है उसी के मुताबिक यहां पर रेट दिए जाए। और तीसरा, जो मेरे साथी सेवाएं देते हुए डेथ हो गई है जिनकी, उनके परिवार को जो है उसी सेवा के साथ जो है नियुक्त करना। और चौथा जो डिमांड थी कि जो साथी 60 साल सेवाएं देने के बाद सेवा निवृत्त कर दिए गए, खाली हाथ घर को लौटा दिए गए, उन परिवारों के लिए कम से कम जो है 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दें। इन मुद्दों को लेकर ये हमारी जो टूल रूम स्ट्राइक पीएचई डिपार्टमेंट से शुरू हुई है। बाकी बहुत जल्द मेरा ऑल डिपार्टमेंट का जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे जम्मू प्रोविंस के हो चाहे कश्मीर प्रोविंस के हो, उन तमाम के साथ वार्तालाप चल रही है। और विद इन डेज मैं कहूंगा एक जन आक्रोश कह लू, एक जन आंदोलन कह लू, वो जम्मू कश्मीर की सड़कों में देखना। तो हमारे साथ लकी चिदा जी भी हमारे साथ है। सर, बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों पर मैं बात करूं तो उनको भी कहीं ना कहीं पहले रिऑर्गेनाइजेशन का एक मुद्दा जो है अभी रिसेंट जो है वो चल रहा है। मैं चाहूंगा उस पर भी आप थोड़े अपने विचार रखिए और आगे फर्दर जो है कैजुअल लेबर्स को लेकर आगे क्या आपका प्लान है, मैं चाहूंगा वो भी आप थोड़ा सा। जी गोनी जी, पहले तो सच में उसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो हर पल हमारे एम्प्लॉय की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारा सहयोग करते हैं। और जहां तक बात रही रीऑर्गेनाइजेशन की, ये थोड़े दिन पहले ही एक ऑर्डर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाल दिया कि जो रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने होने जा रही है उसमें हमें 1400 कुछ एम्प्लॉय की जो रीऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अनाउंस की है, हालांकि जिसमें 1056 पोस्टें तो हमारी पहले से ही ऑलरेडी चल रही हैं। और जहां बात रही 1400 एम्प्लॉय की, 600 हमारा पहले डेली वेजर, 600 उसके बाद हमारा जो डेली वेजर होने जा रहा है, 1200 एम्प्लॉय हमारा ये पड़ गया, उसके ऊपर हमारा 1500-1600 एम्प्लॉय हमारा एनजीओ पर। तो मैं सरकार से कहते हैं, अगर कोई फैसला लेना है कोई ढंग का फैसला ले ताकि इन लोगों को जो है राहत मिले, क्योंकि ये वो स्वच्छकार लोग हैं कि जिनकी वजह से पूरा जो हिंदुस्तान है वो स्वच्छता का जो मिशन लेके चल रहे हैं। आज अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, जहां पर भी अगर देखा जाए तो इन्हीं लोगों की बदौलत जो अमरनाथ यात्रा है वो नंबर वन पे आएगी, जब भी आएगी। अगर यही मुद्दे लेकर हम लोग सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए भी मुश्किल हो सकती है और आने वाली जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आने वाली इलेक्शन है, हम नहीं चाहते कि अभी हमारी जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक धार्मिक प्रोग्राम है, बार बार कंट्री कंट्री से जो लोग जम्मू के विजिट के लिए आते हैं और देखते हैं कि जम्मू में कैसा वर्कर जो कार्य चल रहा है। अगर आज हम सड़कों पर आ जाएंगे, यही मैसेज जो है वो बाहर कंट्रियों में जाएगा कि जम्मू कश्मीर की जो कंडीशन है वो एम्प्लॉय को लेकर कैसी चल रही है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश रहेगी कि इन चीजों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर गौर किया जाए। जो रीऑर्गेनाइजेशन का जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि 1056 का है, ये 12 प्लस हमारा 1600 हमारा एम्प्लॉय कैजुअल लेबर है, कम से कम 3000 एम्प्लॉय हमारा तो यही बन रहा है। तो आप 1400 कुछ की हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन इन्होंने दी है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो एम्प्लॉय उनको परमानेंट करने के चक्कर में पड़े हैं, ये 400 पोस्ट किस को देंगे, हालांकि 600 हमारा एक है, 600 एक है और 1600 हमारा एक है। इसमें एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार लोगों की कॉल्स में कॉल्स आते हैं, मैसेज भी आते हैं, ये जानने के लिए जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें क्या था, अभी जो रीऑर्गेनाइजेशन की है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो देखने के लिए। देखिए, जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने जो कार्य किया उनके ऊपर ज्यादा रोशनी नहीं डालेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने समय पर कोई कार्य किया ही नहीं। अगर उन्होंने अपने समय पर कोई कार्य किया होता तो आज हमें सरकार से ये वाली चीजें मांगने की जरूरत ही नहीं थी कि अगर वो काम किए होते। लेकिन हम ये नई ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, हम मीडिया के माध्यम से, ये एडमिनिस्ट्रेशन से दुआ लगाते हैं कि अगर आपने रीऑर्गेनाइजेशन करनी है तो भले ही उसको आप 2-4 दिन या 10 दिन या 15 दिन उसको लेट कर लें, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल एम्प्लॉय की होनी चाहिए, ऑल सफाई कर्मचारी की होनी चाहिए, चाहे वो कैजुअल लेबर है चाहे वो एनजीओ है, ये पूरी की पूरी जो हमारी जो रीऑर्गेनाइजेशन है
इसको होना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो ऐसा होगा कि सड़कों के ऊपर, गलियों में, रोडों में कूड़े के जो ढेर है वो नजर आएंगे, क्योंकि हमारी भी जो तैयारी है वो पूरी होने को है और जल्द ही हम लोग जो है कोई ना कोई ऐसा कड़ा निर्णय लेने वाले हैं, चाहे वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो हमारी अर्बन लोकल बॉडी जम्मू प्रोविंस, अर्बन लोकल बॉडी कश्मीर हो या कॉर्पोरेशन कश्मीर हो, ये सब अपने अपने जो कार्य है उनको शुरू कर चुके हैं और कभी भी हमारा जो जो हमारा मुद्दा है उसको लेकर हम रोड के ऊपर आ सकते हैं। तो सरकार इस चीज के ऊपर गौर करे कि हम नहीं चाहते कि अमरनाथ यात्रा जो है इनकी जो नंबर वन पे आने की बजाय जहां से ये मैसेज निकले कि जम्मू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने वर्करों के लिए काम नहीं कर रही है और इसलिए आने वाले जो यात्रु है उनको दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रेसिडेंट लखी चीदा जी और उसके साथ साथ मिस्टर पवन कुमार जी जो कि ऑल जेएम के कैजुअल और डेली वेजर्स के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो काफी समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी डिमांड को लेकर, अपने हक को लेकर। जैसे इन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं, जो अमरनाथ की यात्रा फिलहाल अभी जो चल रही है उसमें बहुत अच्छा वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई प्रदर्शन या कुछ अलग वे अगर चूज किया जाता तो सीधा जो असर है वो अमरनाथ यात्रा के ऊपर जो है वो पड़ सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी अभी हमें देख रहे हैं, आप जरूर इसके ऊपर जो है वो संज्ञान लें और जो डिमांड, जो जेन्युइन डिमांड है कैजुअल लेबर्स की, डेली वेजर्स की, सफाई कर्मचारियों की, उनके ऊपर फोकस करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अंत में मैं चाहूंगा कोई मैसेज या कोई और कन्वे आप क्या करना चाहेंगे सफाई कर्मचारियों को या कैजुअल लेबर्स को? देखिए जाते जाते मैं स्पष्ट बातें कह लूंगा, कुछ चंद एक बातें ऐसी हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे दूर दराज एरिया बैठे, कहां अनंतनाग है, कहां लखनपुर से लेकर पाठक, पुंछ से लेकर जो है किश्तवाड़, मैं स्पष्ट बातें कहूंगा कि जब चलना नहीं आता था तब गिरने नहीं देते थे, जरा से क्या खड़े हुए सब चल पड़े गिराने के लिए। मजदूर वर्ग जितने भी मैं कहूं कि बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आके बोलते हैं कि हम मजदूर वर्ग के साथ हैं, कैजुअल लेबर्स का मसला हल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मीडिया में। ग्राउंड लेवल पे आपने भी बहुत बार कवर किया होगा या और जितने भी मीडिया के चैनल है सबने कवर किया है, या तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, यूनाइटेड फ्रंट, यही आपको ग्राउंड लेवल पे लड़ता हुआ नजर आता है, या उसके साथ साथ अगर सफाई कर्मचारियों की बात करें तो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ही जो है यही आपको ग्राउंड पे लड़ता हुआ नजर आता है। मैं ये वाक्य इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही जब कोई रणनीति बनती है, जिस प्रकार से हमारा पीएचई एम्प्लॉज यूनाइटेड फ्रंट बना है जिसमें हमारे पांच मेंबर्स हमने जो है रिप्रेजेंट किए, वो पांच मेंबर्स से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ हर एक डेली वेजर्स पूरे जम्मू प्रोविंस का उसमें मेंबर्स हैं तो वो अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन यूं ही हम जब ग्राउंड में निकलते हैं तो या तो सरकारी एजेंसियां कह लूं या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है सिर्फ डोनेशन के लिए या किसी और अपने पर्सनल कार्य के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो कहीं ना कहीं बीच में जो है मेरे साथियों को जो है गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम डेली वेजर साथियों को, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हैं या किसी भी एरिया से, उनसे मेरा अनुरोध है और स्पष्ट नीति से ये अपील है कि गुमराह बिल्कुल ना हो। ये जद्दोजहद, ये जंग का आगाज हो चुका है और तमाम साथी इसमें, मैं अक्सर कहा करता हूं कि अकेला ही चला था मंजिल मकसूद पे, साथी जुड़ते गए और कारवा बनता गया। जिस प्रकार से ये पीएचई का ये टूडो स्ट्राइक चल रही है और दूर दराज एरिया, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, मैंडर हो, लखनपुर हो, कठुआ हो, सांबा हो, विजयपुर हो, जम्मू हो, उसके साथ साथ हमारा कटरा हो, रियासी हो, धर्माड़ी माहौल, उसके साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, अलग अलग एरिया से जितने भी डेली वेजर्स जो है वो टूडो स्ट्राइक पे है, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। विद इन डेज में ही ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले मुख्तलिफ महकमों के जो डेली वेजर्स हैं उनसे मेरा पुरजोर अपील रहेगी और मैसेज है अब तमाम साथियों तक कि बिल्कुल भी जो है गुमराह ना हो। एक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जो डेली वेजर्स को इंसाफ दिला सकता है और इसी बैनर के नीचे हम सभी जो है इकट्ठे होकर अपनी आवाज उठाएंगे और सरकार को हमारे मुद्दे को मानने के लिए जो है वो मजबूर कर देंगे। और स्पष्ट नीति है सरकार से भी और हमारा जम्मू कश्मीर का नेतृत्व कर रहे केंद्र में बैठे पीएमओ मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सीधा अनुरोध है कि संज्ञान लीजिए, किस बात का इंतजार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार दो वक्त के खाने से मोहताज है
और रोड़ों पे निकल के अपने बच्चों का भविष्य जो है वो ढूंढ रहा है कि कहां है हमारे बच्चों का भविष्य। मैं बोनी जी आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, डेली वेजर्स की 3 पीढ़ियां जो है वो नष्ट हो चुकी है। एक तो डेली वेजर के बुजुर्ग माँ बाप जो दवाओं से महरूम है, जो सही तरीके से इलाज से महरूम है, क्योंकि डेली वेजर्स को मात्र 225 से आप 300 रुपए में मिलना शुरू हुआ है। कब तक वो उस 300 रुपए में गुजारा चलेगा? उनके माँ बाप का जो है वो लाइफ डिस्ट्रॉय है, उसके बाद खुद डेली वेजर्स की, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, परिवार आगे बड़ा परिवार, बच्चे जो है 20-22 साल के हो चुके हैं, शादियां करने का टाइम आ चुका है। एक तो वो, और तीसरी पीढ़ी है हमारे बच्चे, बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में हो चुका है कि किस ओर, एजुकेशन का दौर है, बच्चों को पढ़ाए कैसे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके के स्लोगन दिए जाते जाए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन स्पष्ट कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में डेली वेजर का सत्यानाश। सीधा सीधा अल्टीमेटम है कि सरकार जल्द से जल्द जो है, अजीत साहब बैठे हैं संज्ञान ले, पीएमओ में बैठे मंत्री हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से खास तौर पर ये बात कहना चाहता हूं कि आप संज्ञान लीजिए, जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार की निगाहें जो है आपकी तरफ है, अगर नहीं तो ये वर्कर मजबूरी की हालत में लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, कहीं रोडों पे निकलता है बच्चों के साथ परिवार को लेके, जो भी स्थिति बनती है उसकी जिम्मेवारी जो होगी यहाँ की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और केंद्र सरकार की होगी। माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट दिया, सफाई कर्मचारी एक्ट दिया, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है, मजदूर वर्ग फर्स्ट एड हो चुका है, सुसाइड करने को तैयार है। अगर कहीं भी मेरा कोई साथी सुसाइड करता है, जब कोई ऐसे हालात बनते हैं, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी सरकार की रहेगी, ना कि मजदूर वर्ग की। और मजदूर वर्ग से मेरा यह आग्रह है, अपील है कि यूनाइट होके अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो है वो ऑन दी ग्राउंड जो है अपनी जिम्मेदारी दिखाने के लिए तैयार। तो यहाँ सीधा सीधा चेतावनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई है कि अगर कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स की डिमांड्स को पूरा नहीं कर दिया गया तो आने वाले समय में सड़कों पर तमाम कैजुअल लेबर्स डेली वेजर अपने परिवारों के साथ जो है वो नजर आएंगे। तो अब देखना यह है कि इनकी जो डिमांड्स है एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक इनकी आवाज को सुनती है और कहाँ तक जो है रिस्पॉन्स निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज नेटवर्क के साथ, नमस्कार।